arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास, वाचक स्वर पद्मा मणि। बहमनी साम्राज्य का उत्थान एवं पतन। पहले बहमनी राज्य की स्थापना एवं उत्कर्ष को देखें। दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद तुगलक के एक अधिकारी हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में की थी। वह अपने को फारस के वीर बहमन का वंशज मानता था। गद्दी पर बैठने के बाद उसने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की और गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। बहमनी राज्य के प्रमुख शासकों में सबसे पहला नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह 1347 से 1358 ईस्वी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 11 वर्ष तक राज्य किया। बहमनी राज्य उत्तर में बैन गंगा से दक्षिण में कृष्णा नदी के किनारे तक एवं पश्चिम गोवा से पूर्व में थोगिर तक फैला था। बहमनी राज्य के प्रमुख शासकों में दूसरा नाम मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1373 ईस्वी। यह कुशल शासक था। उसने अपने पिता के विजय अभियान को जारी रखा। उसने विजयनगर और वारंगल के राजाओं से लगातार युद्ध किए तथा उन्हें पराजित कर अपने साम्राज्य को बढ़ाया। परंतु मोहम्मद शाह विलासी राजा था। 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तीसरा मुजाहिद शाह 1373 से 1377 ईस्वी। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुजाहिद शाह सिंहासन पर बैठा। वह निरंतर विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध लड़ता रहा। एक अभियान से लौटते समय उसके चचेरे भाई दाऊद खान ने उसकी हत्या कर दी। चौथा दाऊद खान 1377 ईस्वी। गद्दी पर बैठने के एक महीने पश्चात मुजाहिद के संबंधी ने उसकी हत्या कर दी। पांचवा मोहम्मद शाह द्वितीय 1377 से 1397 ईस्वी। बहमनी राज्य की आंतरिक उथल पुथल का लाभ विजयनगर साम्राज्य ने उठाया और बहमनी राज्य के पश्चिम भाग पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद शाह द्वितीय ने शांतिपूर्ण नीति का अनुसरण किया और अपने राज्य को संगठित करने एवं विद्वानों को आश्रय देने में समय व्यतीत किया। छठवें गयासुद्दीन एवं शमसुद्दीन। मोहम्मद शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य में क्रमशः गयासुद्दीन और शमसुद्दीन गद्दी पर बैठे, पर उनका शासनकाल बहुत अल्प रहा। सातवां ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422 ईस्वी। ताजुद्दीन शमसुद्दीन को गद्दी से हटाकर 1397 ईस्वी में बहमनी का सुल्तान बना। उसने 3 बार विजयनगर साम्राज्य से युद्ध किया, जिसमें वह 2 बार सफल रहा और तीसरी बार असफल सिद्ध हुआ। उसने फिरोजाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। आठवां अहमद शाह 1422 से 1435 ईस्वी। अहमद शाह ने वारंगल को विजित किया, विजयनगर साम्राज्य के एक भाग पर अधिकार करने का प्रयत्न किया और उसे लूटा। मालवा पर सफल आक्रमण किया। उसने बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्ग से बीदर बनाई। नौवां अलाउद्दीन द्वितीय 1435 से 1457 ईस्वी। अलाउद्दीन द्वितीय ने कोंकण के हिंदू राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित किया। संगमेश्वर के हिंदू राजा की पुत्री से विवाह किया। खान देश के आक्रमण को असफल किया और विजयनगर के विरुद्ध युद्ध किया। 1457 ईस्वी में अलाउद्दीन द्वितीय की मृत्यु हो गई। दसवें नंबर पर हैं हुमायूं 1457 से 1461 ईस्वी। यह अत्यधिक कठोर सुल्तान था। जनता, अधिकारी एवं अमीर वर्ग उससे सदा भयभीत रहते थे। 1461 में उसकी मृत्यु हो गई। ग्यारहवां निजाम शाह 1461 से 1463 ईस्वी। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र निजाम शाह गद्दी पर बैठा। उसकी मां मुकदमे जहां ने प्रशासन की देखभाल के लिए एक संरक्षण परिषद का गठन किया,
जिसमें वह स्वयं और महमूद खां और ख्वाजा जहां तुर्क शामिल थे। उसके शासनकाल में मालवा और उड़ीसा के राजाओं ने आक्रमण किया, लेकिन वे असफल हो गए। 1463 ईस्वी में निजाम शाह की मृत्यु हो गई। 12वें थे मोहम्मद शाह तृतीय। 1463 से 1482 ईस्वी, मोहम्मद शाह तृतीय 1463 में गद्दी पर बैठा। राजमाता को ख्वाजा जहां पर संदेह हो गया और उसने उसे मरवा दिया। महमूद गवां राज्य का वजीर नियुक्त हुआ। उसने कोंकण के हिंदू राजा को अपने अधीन किया। संगमेश्वर के राजा से खलना का दुर्ग छीना। विजयनगर राज्य के एक भाग को लूटा और गोवा का बंदरगाह छीन लिया। राजमुंद्री के किले पर फतह की और उड़ीसा राज्य को लूटने में सफल रहा। महमूद गवां की सफलता से भारतीय मुस्लिम सरदारों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने सुल्तान से महमूद गवां के लिए मृत्युदंड का आदेश निकलवा लिया और उसे मरवा दिया। महमूद गवां एक सफल व्यक्ति था। 1482 ईस्वी में मोहम्मद शाह तृतीय की मृत्यु हो गई। 13वां महमूद शाह 1482 से 1518 ईस्वी। महमूद शाह के शासनकाल में विदेशी मुस्लिम सरदारों और भारतीय मुस्लिम सरदारों के मध्य संघर्ष उभर कर सामने आ गया। सुल्तान महमूद शाह इस संघर्ष को नियंत्रित न कर सका। 14 कलीमुल्ला 1538 ईस्वी। नाम मात्र के अंतिम शासक कलीमुल्ला की मृत्यु के साथ 1538 ईस्वी में बहमनी राज्य का अंत हो गया। बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। पहला बीजापुर में आदिलशाही, दूसरा गोलकुंडा में कुतुबशाही, तीसरा अहमदनगर में निजामशाही, चौथा बीदर में बरीदशाही और पांचवा बरार में इमादशाही। और अब देखें बहमनी राज्य के योगदान को। बहमनी राज्य ने दक्षिण और उत्तर के मध्य एक सेतु का कार्य किया। ये कथन है सतीश चंद्र का। आइए देखते हैं साहित्य की उन्नति। सुल्तान फिरोज शाह बहमनी धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र एवं कुरान का ज्ञाता था। फरिश्ता के अनुसार वह फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़, मराठी जानता था। सुल्तान की प्राकृतिक विज्ञान, रेखा गणित और तुर्क शास्त्र में विशेष रुचि थी। उसने ईरानी और इराकी विद्वानों को प्रोत्साहन दिया। उसने दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। मोहम्मद शाह तृतीय और उसका वजीर महमूद गवां विद्वान व्यक्ति थे। महमूद गवां कला और संस्कृति का संरक्षक था। उसने बीदर में मदरसा बनवाया जहां इराकी और ईरानी विद्वान आते थे। उसके दो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, उरूजातुल इंशा और दीवाने अश्र। स्थापत्य कला को देखते हैं। बीजापुर की गोल गुंबद बहमनी राज्य के स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। गुलबर्गा व बीदर के राजमहल, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, जामा मस्जिद और बीजापुर सुल्तानों के मकबरे स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण हैं। और अब देखते हैं बहमनी साम्राज्य के पतन के कारणों को। सबसे पहला, अमीरों में पारस्परिक वैमनस्य। विदेशी मुस्लिम सरदारों और भारतीय मुस्लिम सरदारों के मध्य संघर्ष ने बहमनी राज्य को पतन की ओर अग्रसर कर दिया। दूसरा, कट्टर धार्मिक नीति। बहमनी सुल्तानों की धर्मांधता और असहिष्णुता की नीति ने बहमनी राज्य का अंत कर दिया। तीसरा कारण, दुर्बल शासक। मोहम्मद शाह तृतीय के पश्चात कोई योग्य सुल्तान न होने के कारण, दरबारी षड्यंत्रों के कारण बहमनी राज्य का शीघ्र पतन हो गया। चौथा, महमूद गवां की हत्या। अत्यधिक योग्य एवं ईमानदार वजीर महमूद गवां की षड्यंत्र पूर्वक हत्या से बहमनी राज्य ने एक कुशल अधिकारी एवं स्वामी भक्त व्यक्ति खो दिया, जिसने संपूर्ण राज्य को एकता के सूत्र में बांध रखा था। परिणामतः उसकी हत्या से बहमनी राज्य पतनशील हो गया। पांचवा, पड़ोसी राज्यों के निरंतर आक्रमण। विजयनगर राज्य, वारंगल राज्य और उड़ीसा के राज्यों से निरंतर युद्धों से बहमनी राज्य का पतन हो गया। छठवां, शिया सुन्नी मतभेद। शिया और सुन्नी के वैचारिक मतभेद ने बहमनी सल्तनत को
हानि पहुंचाई। तो ये थे बहमनी साम्राज्य के पतन के कारण। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।